23 मास के ईश्वरीय वरदान में आप सबका स्वागत है। आज परमपिता परमात्मा हमें सिखाते हैं कि कैसे उनके साथ में जब हमारे सारे संबंध हो जाते हैं तो हम औरों पर निर्भर नहीं होते हैं और हमारा मोह भी कम होना शुरू हो जाता है। तो भक्ति मार्ग में जो कि आदि सनातन धर्म इसमें और सिखिज्म में भी कहा गया है, तुमेव माता सपिता तुमेव तमेव बंधु च सखा, तुम ही मेरे साजन हो। ये क्यों कहा गया है? ये इसलिए कहा गया क्योंकि कलयुग के अंत में जब हमारे साजन सजनिया भाई बहन मात पिता हमें सच्ची गाइडेंस या डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं, जब वो खुद ही भरे हुए होते हैं डर से, इनसिक्योरिटी से या लोभ से या अहंकार से भरे होते हैं, तो हमें राइट डायरेक्शन नहीं मिल पाती, जिस कारण से हम परमात्मा के रास्ते से या जो हम करने आए हैं इस दुनिया में उस रास्ते से हम भटक जाते हैं। तो गलती उनकी नहीं है क्योंकि हर आत्मा की कंडीशन नीचे ही है, गिरी हुई है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, इसलिए तुम सारे संबंध मुझसे रखो, मतलब कि मुझको साथी बना लो। अब परमात्मा पिता कोई फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है, भौतिक फॉर्म में नहीं कि तो आपके साथी बन जाएंगे, कभी माँ बन जाएंगे, कभी पिता बन जाएंगे, लेकिन हाँ उनकी जो भावनाएं हैं वो आपको महसूस हो सकती हैं, एक माता के स्वरूप में, एक पिता के स्वरूप में, एक भाई के स्वरूप में, एक बंधु के स्वरूप में, सखा के स्वरूप में, जो कि हम महसूस कर सकते हैं जब हम उनसे उस तरीके से बात करें कि हे मेरे प्यारे प्यारे सखा, बताओ जरा क्या करूं इस सिचुएशन में, या मेरी माँ क्या करूँ मैं इस सिचुएशन में, अगर आप मेरी जगह होते तो आप लोग क्या करते, क्या गाइडेंस देते, या मेरे पिताजी आप मुझसे क्या चाहते हो। हम ऐसे बातें कर सकते हैं, इसको भी हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। तो जब हमारे दुनियावी संबंध हमें हर तरीके से हमें सुख नहीं दे पाते, गाइडेंस नहीं पाते हैं, तो इसलिए कलयुग में परमात्मा कहते हैं तुम मुझसे ही सारे संबंध जोड़ो ताकि तुम्हें और कोई याद ना आए। ये मुक्ति का भी एक रास्ता है बहुत अच्छा, मोह काटने का। तो परमात्मा कहते हैं कि सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भवा। कोई लोग कहते हैं मेरा योग नहीं लगता, योग इसलिए नहीं लगता, या तो चीजें याद आती हैं या संबंध याद आते हैं या फिर चिंताएं होती हैं, क्या होगा उसका, इसका क्या होगा, वो क्या करेगा, ये क्या करेगी। तो परमात्मा कहते हैं सब कुछ मेरा तो दिया हुआ है, तो तुमने अपना कैसे मान लिया? बच्चे हैं, पैसे है, धन दौलत है, वो मेरा दिया हुआ है, वो मैं कहाँ लगाऊं, कैसे लगाऊं, तुम्हें कैसे इस्तेमाल करूं, तुम्हें कैसे यूज करूं, वो मैं जानता हूं। मेरा कहाँ से हो गया? जहां मेरा हो गया वहां पे दुख आना शुरू हो जाएगा, कि मेरा है, मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं, तो वहां पे दुख आना शुरू होगा। मेरा कुछ नहीं है, सब दिया परमात्मा का है, तो परमात्मा के द्वारा ही फ्लो हो रहा है, वो जहां भी जाए, वो परमात्मा जहां करवाए। जहां संबंध होता है वहां याद स्वतः सहज हो जाती है। जिसके साथ संबंध होगा, हस्बैंड वाइफ बेटे, जिनके साथ संबंध, वहां पे याद चली जाती, क्या हो रहा होगा, खा रहे नहीं खा रहे, पी रहे नहीं पी रहे, राइट टाइम पर ठंडी तो नहीं लग रही होगी, कपड़े तो ठीक है उनके पास में, या उनके पास में धन दौलत ठीक है कि नहीं है, स्वस्थ है कि नहीं है, हेल्दी है कि नहीं है। सर्व संबंधी एक बाप को बनाना ही सहज योगी बनना है। तो क्यों ना हम, अगर माँ याद आए तो परमात्मा को माँ बनाते हैं, अगर भाई याद आए तो परमात्मा को भाई बनाते हैं, अगर बहन याद आए तो परमात्मा को बहन बनाते हैं। बनाते हैं मतलब क्या है, वो कोई शारीरिक फॉर्म में थोड़ा वो कोई लड़की या लड़का बन जाएंगे, नहीं, उनकी भावनाएं उस तरीके से हमारे प्रति आनी शुरू हो जाएंगी जब उनको अपना भाई बहन माता पिता बंधु सखा बनाते हैं। सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाती है। माया मतलब हमारे अंदर क्रोध नहीं आता, हमें अहंकार नहीं आता, हमें इनसिक्योरिटी, हमें फियर नहीं आता, बिकॉज औरों से अब जब हम पूछते हैं तो हमें बहुत सारी भावनाओं से जूझना पड़ता है। किसी को डर होता है तो उस डर की भावना से आपसे बात करेगी, किसी को अहंकार होगा तो अहंकार की भावना से आपसे बात करेगा, अगर आपका ये साथी आपको आपकी प्रोग्रेस देख करके जेलस हो जाए तो आपको वो गलत गाइडेंस दे सकता है वो, तो क्यों ना परमात्मा को साथी बना लें। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं जब माया विदाई ले लेती है तब बाप की बंधाइयां बहुत आगे बढ़ती हैं। तो परमात्मा हमें दुआएं देते हैं, हमें वो अपने साथ संबंध में जब बांधते हैं तो फिर जा करके आप सोचो, बोलते ना गॉड स्पीड, किसी को बोलते हैं इंग्लिश में कहते हैं कि आप कहीं जा रहे हो तो गॉड स्पीड, गॉड स्पीड मतलब कि भगवान की शक्ति आपके साथ जाए या भगवान की ताकत आपके साथ जाए, या भगवान की स्पीड से करो, तो कब हो पाएगा, जब हम हर चीजें परमात्मा से भगवान से पूछ करके सोच करके करें, जो हर कदम में परमात्मा दुआएं ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते हैं वह सहज उड़ते रहते हैं। मतलब क्या है, उनकी स्थिति जो होती है वो ऊंची स्थिति होती है, कोई प्रॉब्लम की तरफ सोच रहा होता है तो वो निवारण की तरफ सोच रहे होते हैं, कोई ब्लेम कर रहा होता है तो वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम को देख करके राई का पहाड़ बना रहा होता है तो वो पहाड़ को राई बना रहे होते हैं। तो परमात्मा के साथ में रहना ये फायदा होता है कि आप पहाड़ को राई बना देते हैं, आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, आप ब्लेम की जगह आप सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, तो निवारण कारण नहीं।
तो परमात्मा कहते हैं कि तुम मेरे से बातें करते रहा करो, कभी साथी बन जाओ, कभी संबंधी बन जाओ, कभी कभी बच्चा बन जाओ, कभी मेरे वाइफ बन जाओ, क्योंकि उनको हम वाइफ नहीं बना सकते, तो वाइफ बन जाओ। तो परमात्मा इसलिए कहते हैं कि सारे संबंध मुझसे जोड़ो ताकि तुम्हें मैं गाइड कर पाऊँ हर क्षण में। तो ये सबको सिखाया जाता है ब्रह्म कुमारी में, बहुत ही सहज है लेकिन प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है, और आपकी मेडिटेशन भी सिंपल हो जाएगी इस तरीके से। ओम शांति इसके साथ।